हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने इस ऑनलाइन एकेडमी में, संदीप आईएएस एकेडमी। आज जो आर्टिकल है वो फॉरेन रिलेशंस को लेके है, और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी 5 मार्च को एक खबर आई है कि फिर से इसकी मीट की जाएगी। तो इस न्यूज़ के डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि क्वाड क्या है, और इसका जो हेडिंग आपको दिख रहा है, स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी और क्वाग मीरे। स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी है ये क्वाड या क्वाग मीरे है। क्वाग मीरे मतलब एक ऐसा डिफिकल्ट पोजीशन जहाँ पे इंसान डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसको करना क्या है। तो ये क्या हो सकता है, मतलब ये एडवर्सिटी होगी हमारे लिए या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, इसी के बारे में हम पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे। क्वाड नाम से ही क्लियर है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार होता है, और इसमें चार कंट्री ही हैं, जिसमें एशिया, जिसमें जापान है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें यूएसए है, जिसमें इंडिया है। अब हम थोड़ा सा डिटेल इसका समझते हैं। क्वाड एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक फोरम है, लिखा हुआ है बोर्ड पे, एमंग द लाइक माइंडेड डेमोक्रेसी अक्रॉस इंडिया एंड पैसिफिक ओशियन। ये लाइक माइंडेड जो भी कंट्री डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, या यूं कहें कि डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उनका एक संगम है, उनका एक ऐसे कहें कि उनका एक मिलाप है, वो एक मीटिंग है चार कंट्री की। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो आर्टिकल में समझ में आ जाएगा कि इसको बनाने के पीछे रीज़न क्या था। बट फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि एक लाइक माइंडेड चार कंट्री हैं जो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं, और वो एक साथ आई इस फोरम में। इनका एम होता है टू इंश्योर एंड सपोर्ट अ फ्री, ओपन एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन को और ज़्यादा फ्लरिश करने के लिए, और वहाँ से ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जानी चाहिए, इसी के बारे में इस इनफॉर्मल फोरम को बनाया गया है। अब इट कंप्राइज ऑफ यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये आप मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया था। रही बात अब इस क्यों ये न्यूज़ में है, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अब स्टार्टिंग में तो इसमें ये था कि जो एक जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने 2007 में इसको इनिशिएट किया था, और स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर नहीं, मतलब बनना नहीं चाह रहा था, थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। उसका रीजन साफ है दोस्तों कि यदि आप 2007 की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा नज़दीकी उसकी चाइना के साथ थी, और ये चाइना के अगेंस्ट में बनाया गया है। चाइना के अगेंस्ट में ऐसा डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन अब साफ साफ क्लियर हो चुका है। आर्टिकल को लास्ट में जब मैं इसके लाइन को एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चाइना को टेक ओवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। तो स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया ये साफ साफ समझ रहा था कि ये चाइना के अगेंस्ट जो भी नेशन हैं वो वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया स्टार्टिंग में नहीं ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन आप 2007 के स्टैटिस्टिक्स देखेंगे चाइना की, तो चाइना साइलेंटली ग्रो हो रहा था, और चाइना किसी भी तरीके से एक सुपर पावर को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था। तस्वीर चेंज हो गई 10 साल के बाद, 2017 में चाइना एक बहुत बड़ा सुपर पावर बन के आया, और उस समय अब क्वाड 2.0 जब लॉन्च किया गया तो इसमें ऑस्ट्रेलिया भी हमारे साथ फुल फ्लेज आ गया। तो ये मार्च 5 को एक स्टेटमेंट आया है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन द्वारा, और उन्होंने एक समिट को की मीटिंग करने के लिए कही है कि मतलब सारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे यहाँ पे, और हम वहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि जो बाइडेन हैं यूएसए के, जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, वो इसमें आके क्या बोलते हैं एक बहुत बड़ी कहानी होगी, और एक बहुत दिलचस्प बात होगी कि उनका स्टैंड इस पे क्या है। और शायद इसलिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने की बात भी कही है। अब इंडिया को इस चीज़ की ज़रूरत क्या है, तो बहुत सिंपल सी लाइन लिखी है नीचे, फुटप्रिंट इन साउथ इंडिया एंड इंडियन ओशियन रीजन। यदि आप चाइना से पहले देखेंगे तो इंडिया का एक विशेष बहुत ज़्यादा मोनोपोली थी, या ऐसा कह सकते हैं दबदबा था, हमारा फुटप्रिंट था साउथ इंडिया ओशियन पे और इंडियन ओशियन रीजन पे। तो इस चीज़ को चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पूरे यूरेशिया को कब्जा कर लिया है अपने अपने रोड इनिशिएटिव से, क्योंकि श्रीलंका उसके साथ चला गया, नेपाल उसके साथ है,
पाकिस्तान बहुत पहले से साथ है, तो जितने हमारी नेबरिंग कंट्री हैं सबको उसने कॉन्फिडेंस में लेके और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। और इस प्रोजेक्ट के लॉन्च करने की वजह से अभी ये जितनी कंट्री हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये लोग एक बहुत बड़ा सेटबैक है इनके लिए, और इसी को काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया है। तो अब इन्होंने हमसे एक ये गलती हुई कि 2018 में सांगरी ला डायलॉग में नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी कंट्री के अगेंस्ट में हमने नहीं बनाया है इस चीज़ को। लेकिन 2019 में इन्होंने साफ साफ कह दिया इंडिया एग्रीड टू एलिवेट क्वाड प्रिंसिपल टू मिनिस्ट्रियल लेवल, मिनिस्ट्रियल लेवल पे जाने की बात इन्होंने कह दी, मतलब साफ साफ हमने चाइना को इंडिकेट कर दिया है कि हम आपके अगेंस्ट हैं और हम इन कंट्री के साथ हैं। तो इस पे राइटर थोड़ा सा क्रिटिकल होकर ये बताते हैं कि देखिए ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री चाइना के साथ नहीं है, और इसके साथ साथ बाकी जो कंट्री हैं ऑस्ट्रेलिया के अलावा जापान और यूएसए, इनकी बाउंड्री भी चाइना के साथ नहीं लगती है लेकिन लगती है इंडिया की, और इसका खामियाजा हमको गलवान वैली में देखने को मिल गया है। तो जब चाइना को साफ साफ लग गया कि ये हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं और यहाँ पे ये डिसीजन भी इन्होंने ले लिया कि इसको मिनिस्ट्रियल लेवल तक लेके जाएंगे, तो उसने अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए इंडिया के साथ लद्दाख गलवान वैली वाला इंसिडेंट कराया। तो ये एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है कि इस चीज़ को किस तरीके से टैकल किया जाए, क्योंकि ये तीनों देश के साथ तो इसकी बाउंड्री है नहीं, प्लस ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजिकली ये बहुत एडवांस्ड हैं, तो हो सकता है कि इनके साथ चाइना नहीं कुछ करे लेकिन अपना मिलिट्री पावर एक्सरसाइज करने के लिए इंडिया को यूज़ कर सकता है। तो इसी पे सजेस्टिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज में मैंने वही बाउंड्री लिखा है, बाउंड्री का मतलब कि इन तीनों कंट्री का बाउंड्री चाइना के साथ नहीं लगता है, हालांकि कुछ मतभेद हैं उनको कुछ आइसलैंड को लेके किसी किसी कंट्री के साथ, लेकिन बाउंड्री नहीं लगती है। इसके साथ साथ ट्रेड की बात करें तो ये टू वे ट्रेड होता है इंडिया के साथ चाइना का, जिसमें 77 बिलियन डॉलर का हिसाब किताब है, इतना ज़्यादा बिजनेस हमारा चाइना के साथ होता है। इसके साथ साथ यूएसए के साथ इसका युद्ध नहीं होगा, इस डेटा को यदि हम समझें तो अमेरिकन इन्वेस्टर होल्ड $1 trillion ऑफ चाइनीज इक्विटी, चाइनीज इक्विटी का $1 trillion अमेरिकन इन्वेस्टर के पास है, और 75% कंपनी जो चाइना में ऑपरेट हो रही है अमेरिकन कंपनी, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि वो चाइना में ही ऑपरेट करेंगे, चाइना से वो नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि एक ट्रेड रिलेशन बहुत ज़बरदस्त अभी भी चाइना का यूएसए के साथ है, तो शायद डायरेक्टली अटैक तो चाइना नहीं करेगा यूएसए के पास, यूएसए के ऊपर, तो बीच में फंसता है इंडिया। तो इसीलिए सजेस्टिव अप्रोच की बात यदि करें तो हमको एट एनी हाउ जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हमने अपने रिश्ते को बिल्डअप करने की कोशिश किया और हुआ भी बहुत हद तक, हमको चाइना के साथ भी अपने रिश्ते ठीक ठाक करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ हमारी पॉलिसी इस तरीके से होनी चाहिए जो कम से कम डिविसिव नहीं हो, डिविसिव का मतलब कि पोलराइज पॉलिसी नहीं हो, रिलीजन के नाम पे हम आपस में झगड़ा नहीं करें, क्योंकि अपने घर में ही झगड़ा होगा तो हम बाहर वालों से कैसे निपटेंगे। यदि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होगी, इंटरनल डिस्टर्बेंस ही रहेगा हमारी कंट्री में, तो हम डेफिनेटली चाइना को या यूएसए को या किसी भी कंट्री के साथ उनको हम टैकल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी पॉलिसी इस तरीके से फॉर्मुलेट होनी चाहिए कि हम इंडिपेंडेंट रहें, और उसके बाद कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो उसको आराम से टैकल कर सकें। उसके बाद लास्ट एक और ऑप्शन, लास्ट एक सजेस्टिव अप्रोच ये भी बनता है कि इंडिया हमेशा से रिएक्टिव पॉलिसी की बात करता है, प्रोएक्टिव पॉलिसी की बात नहीं करता है। इन दोनों वर्ड में एक छोटा सा डिफरेंस है। रिएक्टिव पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि कुछ घटना घट गई, उसके बाद हमने आनन फानन में बैंडेज लगाने वाली बात जो कहते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम पहले ही से सारी चीज़ों का आकलन कर लें और उस हिसाब से कोई पॉलिसी बनाए, तो हो सकता है कि उस घटना को टाला जा सकता है। तो रिएक्टिव पॉलिसी से ज़्यादा जरूरी है प्रोएक्टिव पॉलिसी बनाना, स्पेसिफिकली यदि हम फॉरेन रिलेशंस की बात करते हैं तो। तो आज का आर्टिकल दोस्तों यही है, कल हम फिर मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ। थैंक यू सो मच।